आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बताएं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। देश भर में बने मौसमी सिस्टम, धुंधिया रेखे हिंद महासागर और उससे सतह दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के पूर्व हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में निचले स्तरों पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुए मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश का मौसम शुष्क रहा। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी तथा भीषण लू की स्थिति देखी गई और गुजरात के कुछ हिस्सों में साथ साथ कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप देखा गया। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान हम देश में किसी भी महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि की उम्मीद नहीं करते हैं। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ हिस्सों, तटे महाराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी तथा लू की स्थिति संभव है। गुजरात क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की संभावना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.